आज 7th क्लास शुरुआत करते हैं आपके इस वीडियो की, जिसमें आपका कंप्लीट एनुअल एग्ज़ाम का पोर्शन दिया गया है। इसमें कौन कौन से कंटेंट दिए गए हैं पहले हम इस बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट इसमें ग्रामर से रिलेटेड सैम्पल फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सेकंड एक्टिव टू पैसिव चेंजेस हैं, जिसमें सभी प्रकार के सेंटेंस के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मैंने। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंजेस है सभी प्रकार के सेंटेंस के। फिर वर्ब फॉर्म्स हैं, फिर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स और उसके यूजेज हैं, फिर इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स और इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग्स हैं दोनों बुक्स की, हनीकॉम की और एलिन हैंड दोनों बुक्स की इसमें वर्ड मीनिंग्स दे रखी है। फिर एप्लीकेशन राइटिंग है ग्रामर से रिलेटेड, नोटिस राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, ये सारे के सारे एज ए प्रैक्टिस वर्क आपको इसमें दे रखे हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं मैंने आपके लिए। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की सैम्पल फिल इन द ब्लैंक्स से, जो कि ग्रामर से रिलेटेड है कि किस तरह से एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। सबसे पहले इसमें ग्रामर से रिलेटेड आने के चांसेस आर्टिकल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जिसमें ए एन या द या फिर जहाँ ए एन और द का यूज नहीं होता वहाँ पर क्रॉस का यूज़ किया जाता है, इससे रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्ज़ाम में आती है। जैसे इसमें दे रखा डैश गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, जिसमें क्रॉस है। हैव यू एवर सीन डैश एलिफेंट, इसमें एन का यूज है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन होते हैं और डैश इज ए डेफिनेट आर्टिकल्स, इसमें द हैं। उसी प्रकार से नाउन से रिलेटेड जैसे 7th फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी है, बुक्स और सॉल्ट से रिलेटेड पढ़ना है इस प्रकार, या नाउन से रिलेटेड या डिग्री से रिलेटेड या किसी प्रोनाउन से रिलेटेड आपके फिल इन द ब्लैंक्स वहाँ दे रखी होती है, जो आपको फिलअप करना होता है वहाँ पर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स जैसे 11th में दे रखा है डिग्री से रिलेटेड भरना है, तो इसमें जैसे इजारेम प्लस खालिस्तान के बाद में दैन दे रखा है तो कंपेरेटिव डिग्री को फिलअप करना है। उसी तरह से 12th के अंदर कोई पहचान नहीं दे रखी है डिग्रीज में तो सिंपल पॉजिटिव डिग्री को फिलअप करना होता है। और 13th के अंदर जैसे द एक पहचान सिना के रूप में दे रखा है जिसके अंदर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। इस प्रकार से 14, 15, 16 ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। और 17, 18, 19 इस प्रकार के प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। और 20 और 21 ये आपके चांसेस रहते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने से संबंधित, इस तरह के आपके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। अब एक्टिव पैसिव से संबंधित जो चेंजेस हैं, उन चेंजेस में सभी प्रकार के मैंने आपको सेंटेंस यहाँ पर चेंज करके एज ए एग्जाम्पल के रूप में आपको दे रखे हैं, मैंने सभी प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिए हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, ही फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट, इसको चेंज करेंगे माई प्रोजेक्ट वॉज फिनिश्ड बाय हिम। सेकेंड सेंटेंस, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम हियर, इसको चेंज करेंगे ही हैज नॉट बीन कॉल्ड हियर बाय मी। थर्ड सेंटेंस, डू यू लाइक स्टोरी बुक्स, क्वेश्चन मार्क है, इसको चेंज करेंगे आर स्टोरी बुक्स लाइक बाय यू। फोर्थ, व्हेन विल ही राइट अ नॉवल, इसको चेंज करेंगे व्हेन विल अ नॉवल बी रिटन बाय हिम। यानी कि इसमें सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखे हैं एज एग्जाम्पल। नेक्स्ट, वो डब्ल्यू एच वर्ड से रिलेटेड है लेकिन ये हु से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। जैसे हु टीचेज यू इंग्लिश, तो हु को हम बाई होम में चेंज करते हैं, तो जिसको पैसिव वर्ड में चेंज करेंगे बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस में, हुम डू दे सेलेक्ट अवर टीम कैप्टन, होम को हु में चेंज किया जाता है तो हु इज सेलेक्टेड अवर टीम कैप्टन बाई देम। उसी तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर, क्लोज द विंडो, तो इसमें लेट से बनने वाला सेंटेंस है तो इसको चेंज करेंगे लेट द डोर बी क्लोज्ड। और डोंट राइट अ लेटर, इसको हम चेंज करेंगे लेटर लेटर नॉट बी रिटर्न। यानी कि ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले और डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला, जिनको लेट से चेंज करना है तो उसको इस प्रकार से हम लोग चेंजेस करेंगे। सेम इसी तरह के सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि लेट से चेंज नहीं होते हैं, जैसे कीप क्वाइट, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो ये लेट से चेंज नहीं होगा तो इसको हम चेंज करेंगे यू आर एडवाइज्ड टू कीप क्वाइट।
उसी तरह का सेकंड सेंटेंस है जैसे डोंट फाइट हियर, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो इसको भी हम चेंज करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू फाइट हियर। फिर नेक्स्ट प्लीज हेल्प मी, अभी रिक्वेस्ट संबंधित है तो इसको हम चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। और लास्ट लेट्स प्ले चेस, यानी कि ये सजेशन से रिलेटेड है तो इसको हम चेंज करेंगे, यू आर सजेस्टेड टू प्ले चेस। अब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जो चेंजेस किए जाते हैं सेंटेंस में, इनको सभी प्रकार के सेंटेंस से रिलेटेड हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस वही सिंपल सा अपना अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दे रखा है ही सेड आई एम वर्किंग इन एन ऑफिस, इसको हम चेंज करेंगे ही सेड दैट ही वॉज वर्किंग इन एन ऑफिस। दूसरा सेंटेंस ही सेड टू महेश यू डिड नॉट हेल्प मी टूडे, इसको चेंज करेंगे सी टोल्ड महेश दैट ही हैड नॉट हेल्प्ड हर दैट डे। फिर थर्ड सेंटेंस सना सेड टू हर सिस्टर आर यू क्रेजी, इसको चेंज करेंगे सना आस्क्ड हर सिस्टर इफ शी वॉज क्रेजी। लास्ट सेंटेंस रोहित सेड टू माया व्हाट आर यू डूइंग, इसको चेंज करेंगे रोहित आस्क्ड माया व्हाट ही वॉज डूइंग। इस तरह से इन सेंटेंस को चेंज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस में द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स कम हियर, इसको चेंज करेंगे द कमांडर ऑर्डर द सोल्जर्स टू कम देयर। श्वेता सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, इसको चेंज करेंगे श्वेता रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। नेक्स्ट सेंटेंस में द ओल्ड मैन सेड मे यू गेट गुड मार्क्स, इसको चेंज करेंगे द ओल्ड मैन ब्लेस्ड मी दैट आई माइट गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस सी सेड व्हाट अ नाइस ड्रेस इट इज, इसको चेंज करेंगे सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ वेरी नाइस ड्रेस। यानी कि विभिन्न प्रकार के सेंटेंस दे रखे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये दे रखे हैं। उसी तरह से एग्जाम के व्यू पॉइंट के हिसाब से कुछ वर्ब फॉर्म्स जो अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे गो वेंट गॉन कम कैम कम ईट एट ईटन ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक बाय बॉट बॉट सेल सोल्ड सोल्ड स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट लाफ लाफ्ड लाफ्ड वीप वेप्ट वेप्ट सिंग सेंग संग डांस डांस्ड डांस्ड रीड 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 राइट रोट रिटन थ्रो थ्रू थ्रोन कैच कॉट कॉट फाइंड फाउंड फाउंड गिव गेव गिवन टेक टुक टेकन पुल पुल्ड पुल्ड पुश पुश्ड पुश्ड सेव सेव्ड सेव्ड किल किल्ड किल्ड बिगिन बिगेन बिगन एंड एंडेड एंडेड स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड लीव लिव्ड लिव्ड लीव लेफ्ट लेफ्ट वर्क वर्कड वर्कड नो न्यू नॉन बीट बीट बीटन जंप जंप्ड जंप्ड रन रैन रन लाइक लाइक्ड लाइक्ड प्ले प्लेड प्लेड स्टॉप स्टॉप्ड स्टॉप्ड सी saw seen watch watched watched do did done fly flew flown। इस तरह ये कुछ वर्ब फॉर्म है जो हमारे एग्जाम के व्यू पॉइंट के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की, जैसे फर्स्ट गुड बेटर बेस्ट बैड वर्स वर्स्ट लिटिल लेस लिस्ट many more most deep deeper deepest fine finer finest big bigger biggest hot hotter hottest old older oldest high higher highest tall taller tallest rich richer richest large larger largest wide wider widest hard harder hardest। उसी प्रकार से strong stronger strongest weak weaker weakest great greater greatest cold colder coldest small smaller smallest
happy, happier, happiest, short, shorter, shortest, beautiful, most beautiful, intelligent, more intelligent, most intelligent, dangerous, more dangerous, most dangerous, interesting, more interesting, most interesting, useful, more useful, most useful, careless, more careless, most careless, important, more important, most important, valuable, more valuable, most valuable, obedient, more obedient, most obedient. अब बात करते हैं English to English word meanings की. Hermit, shag, uncanny, unusual, affair, matters, faithful, loyal, wounded, injured, crestfallen, disappointed, snug, comfortable, dentist, tasty food, unappreciative, disapproving, moisture, wetness, variations, changes, forgive, pardon, glimmed, glittered, carcass, dead body, withered, dry, generate, produce, adapt, change, retreat, go back, affairs, matter, return, give back, crook, criminal, covetous, greedy, seized, caught, ravages, damages, perch, sit, crafty, cunning, faithful, loyal, weird, strange, cope, manage, lunatic, mad, guttural, harsh, lucious, tasty, fed up, tired, habitate, shelter, frenzied, frantic. और नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग्स की, जो कि दोनों बुक्स से संबंधित हैं, अपने हनीकॉम्ब और एन एलियन हैंड, दोनों बुक्स की मिलाकर यहाँ पर दी गई हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो. फर्स्ट, लिसन, सुनना, प्लेजर, आनंद, पैलेस, महल, फुलिस, मूर्ख, मैजिशियन, जादूगर, कोर्टियर, दरबारी, हर्मिट, साधु, विजडम, बुद्धिमता, साइलेंट, शांत, बीटर, कड़वा, कोकोनट, नारियल, यूज, विशाल, सीक्रेट, गुप्त, फिबल, कमजोर, चैलेंज, चुनौती, वरीड, चिंतित, पनिशमेंट, सजा, हेल्थी, स्वस्थ, बिलीव, विश्वास, इम्पॉसिबल, असंभव, ऑनेस्ट, ईमानदार, नेबर, पड़ोसी, फिस्ट, दावत, ट्रेजर, खजाना, गार्डन, बगीचा, काइंडनेस, दयालुता, ग्रीडी, लालची, फ्यूरियस, क्रोधित, ऑनर, मालिक, डिलाइटेड, खुश, काचल, महल, प्राइड, गर्व, इमीडिएट, शीघ्र, अवेलेबल, उपलब्ध, ल्यूनेटिक या फिर क्रेजी या फिर मेड, इसका अर्थ होता है पागल, डिस्पुट, विवाद, आर्टिस्ट, कलाकार, रेस्पेक्ट, सम्मान, यूथ, युवा, वंडरफुल, शानदार, अकेजन, अवसर, अफ्रेड, भयभीत, इम्प्रेशन, प्रभाव, स्ट्रगल, संघर्ष, कंपटीशन, प्रतियोगिता, कैरेक्टर, चरित्र, मॉन्स्टर, दैत्य, क्रुक, अपराधी, डिटेक्टिव, जासूस, डाउनपोर, वर्षा या बारिश, एनॉयड, नाराज, कम्युनिटी, समुदाय, ऑडियंस, दर्शक, फेमस, प्रसिद्ध, अटेंशन, ध्यान, डिस्कवर, खोजना, एंशियंट, प्राचीन, यूजफुल, उपयोगी, डेंजरस, खतरनाक, डैमेज, नुकसान, फ्राइटेंड, भयभीत, इंजर्ड, घायल, ब्लैंकेट, कंबल, इनेमी या फिर फो, इसका अर्थ होता है दुश्मन या शत्रु, फ्रेंड, मित्र, डिबेट, वाद विवाद, रिस्क, जोखिम, इंक्वायरी, पूछताछ, टेल, स्टोरी, इसको कहते हैं कहानी, एफर्ट, प्रयास,
मैटर मामला, सीरियस गंभीर और इस प्रकार की, हार्डवर्किंग मेहनती, मॉस्क्यूटो मच्छर, लॉयल्टी वफादार, डिसिप्लिन अनुशासन, पीसफुल शांति, सेंसिटिव संवेदनशील, एडवांटेज फायदा, रिमेंबर याद करना, पोलाइट विनम्र, फिस्ट दावत, नॉटी शरारती, कनिंग चालाक, ल्यूशियस स्वादिष्ट, टेंडर मुलायम, टेरिबल भयानक, कमांड आदेश, फुलिस मूर्ख, प्रोटेस्ट विरोध, शाई शर्मिला, प्राइड गर्व, अनअवेयर असावधान, स्ट्रेंज अनजान, स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्षयान, कलीग सहयोगी, डेजर्ट रेगिस्तान, ब्यूटीफुल सुंदर, डिफिकल्ट कठिन, बिलीफ विश्वास, एबिलिटी योग्यता, प्रोटेक्ट रक्षा करना, एग्रीमेंट समझौता, सरप्राइज्ड हैरान, ह्यूमर मजाक, मर्चेंट व्यापारी, एंजियस बेचैन, इंटरफर दखलंदाजी, एब्सेंस अनुपस्थिति, यूजलेस अनुपयोगी, होमलेस बेगर, वेदर मौसम, प्लीजेंट शांत, सक्सेस सफलता, चाइल्डहुड बचपन, स्ट्रेंथ ताकत, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, फ्रीडम स्वतंत्रता, फेरोशियस क्रोधित, एमेबल विनम्र। ये हैं इससे रिलेटेड, इन दोनों बुक्स से रिलेटेड इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स और इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग्स। अब हम ग्रामर के कुछ टॉपिक्स में आते हैं, एप्लीकेशन राइटिंग, नोटिस राइटिंग और स्टोरी और पैराग्राफ राइटिंग के अंदर, जो कि एज ए प्रैक्टिस आपको दिए जा रहे हैं। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन राइटिंग के साथ में। एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव फॉर ब्रदर्स मैरिज, ब्रदर्स मैरिज के लिए 3 दिन की एप्लीकेशन की आपको लिखनी है। हम स्टार्ट करते हैं इसमें सबसे पहले डेट से, 25th September 2000, जैसे अब 20 चल रहा है तो 20 और 19 चल रहा है तो 19, जो अपने ईयर चल रहा है वो हमें लिखना है। 25th September 2019, द प्रिंसिपल SVGMS स्कूल बालोत्रा, सब्जेक्ट फॉर 3 days लीव, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट I am student of class 7th A. My elder brother's marriage is on 26th September 2019. So I cannot come to school for 3 days from 25th September 2019 to 27th September 2019. Kindly grant me leave for 3 days to attend my brother's marriage. Phir thank you. Yours obediently. और आपका नाम जो यहाँ दे रखा है राकेश, तो राकेश। इस प्रकार से आपने देखा कि इस एप्लीकेशन के अंदर एक मेन जो चीज़ें, मेन जो पॉइंट्स का ध्यान रखना है वो ये हैं कि एक तो पूरे एप्लीकेशन को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, एक कहीं पर भी किसी भी स्टेप के बाद में कॉमा का यूज नहीं करना है, दूसरा इसमें प्रॉपर जैसे फर्स्ट स्टेप के बाद सब्जेक्ट से पहले एक लाइन छोड़ी गई है और सब्जेक्ट के बाद में भी एक लाइन छोड़ी गई है, उसी प्रकार से बॉडी ऑफ द लेटर में थैंकिंग यू के बाद भी एक लाइन छोड़ी गई है, तो इस तरह से इन कुछ लाइंस को भी छोड़ना है, कहीं पर भी कॉमा का यूज नहीं करना है किसी भी स्टेप के बाद में, और बड़ी बात लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ही लिखना है। सेकेंड एप्लीकेशन है, इमेजिन दैट यू आर रोहित स्टडिंग इन क्लास 7th A, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कोटा, राइट एन एप्लीकेशन फॉर TC। वो स्टार्ट डेट के साथ 15th September 2000 XX दे रखा है मैंने, यहाँ पर कोई भी आप ईयर है उस ईयर का नाम लिखना है, जिस वक्त हम लोग लिख रहे हैं उस ईयर को हम लोगों को यहाँ लिखना है। द प्रिंसिपल SVGMS स्कूल पचपदरा, सब्जेक्ट फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट दैट मीन्स TC, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th A, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू कोटा, आई एम गोइंग विथ माई फैमिली सो आई नीड माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर फर्दर स्टडी इन कोटा, काइंडली इश्यू मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली रोहित।
नेक्स्ट एप्लीकेशन, इमेजिन दैट यू आर दीपक स्टडिंग इन क्लास 7A. यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन स्टेट लेवल जूनियर कबड्डी गेम्स. राइट एन एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट. डेट 24th October 2019. द प्रिंसिपल SVGM स्कूल पचपदरा. सब्जेक्ट फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट. सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7A. आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन स्टेट लेवल जूनियर कबड्डी गेम्स. सो आई नीड माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू पार्टिसिपेट इन दीज गेम्स. काइंडली इश्यू मी माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट. थैंकिंग यू. योर्स ओबीडियंटली दीपक. नेक्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर सेक्शन चेंज. 25th September 2019. द प्रिंसिपल SVGM स्कूल बालोत्रा. सब्जेक्ट फॉर सेक्शन चेंज. सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7A. नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू प्ले अ क्रिकेट मैच. डेट वही 15th September 2019. द प्रिंसिपल SVGM स्कूल पचपदरा. सब्जेक्ट फॉर परमिशन टू प्ले अ क्रिकेट मैच. सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम मॉनिटर ऑफ क्लास 7A. आवर क्लास वॉन्ट्स टू प्ले अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच with class 7B at our school playground on this Saturday. Kindly grant us permission to play this friendly match. Thanking you. Yours obediently, Rohan. Next application, application for extra classes in maths and English. Date 25th February 2020. The principal, SVGM school Balotra. Subject for extra classes in maths and English. Sir, most respectfully, I beg to say that I am monitor of class 7A. Our English and maths course has not been completed yet and our exams are at hand. So I request you to arrange some extra classes in English and maths. Please arrange some extra classes in English and maths to complete our course. Thanking you. Yours obediently, Rajiv. Next application में, write an application for books from book bank. You are Rohit, studying in SVGM school Pachpadra. Date 15 July, जो भी वो year है वो लगाओ. The principal, SVGM school Pachpadra. Subject for books from book bank. Sir, most respectfully, I beg to say that I am a student of class 7A. My father is a poor farmer. He is not able to buy my books from market. So I request you to issue me a book set of class 7 to study proper. Kindly issue me the set of books for my proper study. Thanking you. Yours obediently. वही आपका नाम राकेश. अब हम लोग बात करते हैं नोटिस राइटिंग से संबंधित, यानी कि किस प्रकार के नोटिस एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं और आपको किस तरह के नोटिस आपको लिखने होते हैं और कैसे लिखना होता है, नोटिस राइटिंग कैसे करना है एग्जाम के अंदर. तो सबसे पहले नोटिस राइटिंग के अंदर, जैसे फर्स्ट नोटिस है ड्राफ्ट शॉर्ट नोटिस फॉर एनुअल फंक्शंस. अब एनुअल फंक्शन से रिलेटेड हमें नोटिस लिखना है, तो सबसे पहले नोटिस ड्राफ्टिंग के अंदर एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर उस संस्था का नाम लिखा जाता है जो उस नोटिस दे रही होती है. जैसे अब हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है तो सबसे पहले अपने स्कूल का नाम आएगा स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल पचपदरा. फिर डेट, जैसे कोई भी संभावित डेट मान लेते हैं कि हम लोग 31 मार्च को अपने यहाँ एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो हम लोग कुछ दिन पहले तैयारी करते हैं तो हम लोग डेट कुछ दिन पहले की देंगे. जैसे डेट डाली हमने यहाँ पर 10 मार्च 2020.
फिर हेडिंग डालनी है नोटिस, और किससे संबंधित नोटिस दे रहे हैं, एनुअल फंक्शन से संबंधित, तो हेडिंग डालनी है एनुअल फंक्शन, और नोटिस बॉडी ऑफ द नोटिस के अंदर हम लोग लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन ऑन 31st March 2020। अब ये डेट दे दी हमने, एंड इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल प्रोग्राम मे गिव देयर नेम्स टू अंडरसाइंड बाई 20 मार्च 2020। इसके माध्यम से हमने ये बता दिया जो बच्चे इंटरेस्टेड है कल्चरल प्रोग्राम में वो अपना नाम अंडरसाइंड को दे सकते हैं 20 मार्च 2020 तक। मयंक हेड बॉय हैं, और एसडी का मतलब होता है सिग्नेचर, वो है प्रिंसिपल। यानी कि इस तरह से एक नोटिस को तैयार करना है, और हाँ नोटिस के चारों तरफ लाइन जरूर करनी, यानी एक पैक बॉक्स के अंदर जरूर इसको पैक करना है, यानी बॉक्स के अंदर आपको पैक करना है, ये ध्यान रखना है स्क्वायर के अंदर। सेकंड नोटिस है फॉर मैगजीन प्रभात, जो सेकंड अपनी पब्लिकेशन होने वाली है उसके लिए, वही हेडिंग स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल पचपदरा, डेट 10 मार्च 2020, नोटिस मैगजीन प्रभात 2 पब्लिकेशन, All the students are hereby informed that our school is going to publish our school magazine Pravat 2 next month. Interested students with short stories, articles, poems, paragraphs, etc. may submit to undersigned by 20 March 2020. वही notice देने वाला महेश head boy और signature by principal sir. थर्ड है इंटर हाउस म्यूजिक कॉन्टेस्ट के लिए आपको नोटिस देना है, तो स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल पचपदरा, डेट 10 सितंबर 2019, नोटिस और सब्जेक्ट है इंटर हाउस म्यूजिक कॉन्टेस्ट। नोटिस है ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द इंटर हाउस म्यूजिक कॉन्टेस्ट इज ऑन 30 सितंबर 2019। Interested students who want to participate may give their names to undersigned by 20 September 2019. देने वाला वही head boy माधव और signature by principal. Next notice है half yearly examination से related, स्वामी विवेकानंद government model school पचपदरा, date 10 November 2019. नोटिस हेडिंग है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2019-20। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2019-20 इज फ्रॉम 15 नवंबर 2019 टू 27 नवंबर 2019 एज पर शेड्यूल। अटेंडेंस इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। नीरज एज ए हेड बॉय और एसडी बाय प्रिंसिपल सर। नेक्स्ट नोटिस है SCPW कैंप के लिए, तो हेडिंग वही स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल पचपदरा, डेट 10 सितंबर 2019, नोटिस जो कि है SCPW कैंप। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट 4 डेज SCPW कैंप इज फ्रॉम 20 सितंबर 2019 टू 23 सितंबर 2019 एट अवर स्कूल प्लेग्राउंड। Attendance is compulsory for all the students as a head boy Sanjay and SD by principal sir. Next है health checkup camp के लिए, तो स्वामी विवेकानंद government model school पचपदरा, date 10 September 2019, notice health checkup camp. All the students are hereby informed that a health checkup camp is on 20 September 2019. For the students at our school library. Attendance is compulsory for all the students as a head boy Mahendra Kumar or SD by principal sir. Next Diwali holidays के लिए notice तैयार करना है, तो स्वामी विवेकानंद government model school पचपदरा, date 10 October 2019 as a notice. All the students are hereby informed that the Diwali holidays are from 22nd October 2019 to 4 November 2019. The school will reopen on 5 November 2019 as a head boy Manjit Singh
और एस डी बाय प्रिंसिपल सर। ये सब एज ए प्रैक्टिस आपको नोटिस राइटिंग दिए गए थे। नेक्स्ट स्टोरी राइटिंग फॉर प्रैक्टिस, फर्स्ट स्टोरी है ग्रीडी डॉग। वंस देयर वाज ए डॉग, वन डे ही वाज वेरी हंग्री, ही वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, एट लास्ट ही फाउंड अ पीस ऑफ बोन, ही वाज क्रॉसिंग अ ब्रिज विथ इट, सडनली ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वॉटर, ही थॉट इट एन अनदर डॉग विथ अ बोन, ही बिकेम ग्रीडी एंड वॉन्टेड टू गेट दैट बोन, ही बार्क्ड एट हिज रिफ्लेक्शन, हिज पीस ऑफ बोन फेल इन टू द वॉटर एंड द डॉग बिकेम वेरी सैड, इट्स मोरल इज ग्रीड इज कर्स्ड। नेक्स्ट स्टोरी है अ कैब सेलर एंड द मंकीज। वंस देयर वॉज अ कैब सेलर इन अ विलेज, ही ऑलवेज वेंट फ्रॉम वन विलेज टू अनादर टू सेल हिज कैब्स, वन डे इट वॉज वेरी हॉट, ही टुक रेस्ट अंडर अ सैडी ट्री, सून ही फेल अस्लीप, देयर वर मैनी मंकीज इन द ट्री, दे केम डाउन एंड ओपन द बैग एंड टुक अवे हिज कैब्स, दे क्लाइम्ड अप द ट्रीज, आफ्टर सम टाइम द कैब सेलर वॉक अप, ही सॉ हिज कैब्स मिसिंग, ही वॉज वेरी सैड, सडनली ही सॉ मंकीज इन द ट्रीज विथ हिज कैब्स, ही थॉट ऑफ अ प्लान, ही टुक हिज कैब ऑफ एंड थ्रू इट डाउन, द मंकीज डिड द सेम एंड थ्रू देयर कैब्स डाउन, ही कलेक्टेड हिज कैब्स एंड वेंट अवे हैप्पीली, मोरल विजडम पेज। नेक्स्ट स्टोरी है अ फॉक्स एंड ग्रेप्स। वंस देयर वॉज अ फॉक्स, वन डे ही वॉज वेरी हंग्री, ही वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, ही सॉ सम बंचेस ऑफ राइप ग्रेप्स इन अ गार्डन, हिज माउथ वॉटर्ड, ही वॉन्टेड टू ईट दैम बट दे वर क्वाइट हाई, सो ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन टू गेट दैम बट ऑल इन वैन, ही वॉज वेरी टायर्ड एंड वेंट अवे सेइंग दैट दीज ग्रेप्स आर श्योर, आई डोंट वॉन्ट टू ईट दैम, मोरल इज ग्रेप्स आउट ऑफ रिच आर सैड टू बी श्योर। नेक्स्ट स्टोरी ग्रीडी फार्मर। वंस देयर वॉज अ फार्मर, ही वॉज वेरी पुअर, वन डे ही गॉट अ हैन, इट लेड अ गोल्डन एग, द फार्मर बिकेम वेरी हैप्पी, ही सोल्ड दिस एग इन अ मार्केट, एवरी डे द हैन लेड अ गोल्डन एग एंड द फार्मर सोल्ड इट इन द मार्केट, द फार्मर बिकेम रिच डे बाय सेलिंग द एग्स, वन डे ही थॉट टू गेट ऑल द एग्स फ्रॉम द हैंस स्टोमक, सो ही टुक अ नाइफ एंड कट इट्स स्टोमक, द हैन डाइड बट ही डिड नॉट गेट एनी गोल्डन एग एंड द फार्मर बिकेम वेरी सैड, मोरल इज ग्रीड इज कर्स। नेक्स्ट स्टोरी है अ लॉयन एंड द माउस। वंस देयर वॉज ए लॉयन इन अ फॉरेस्ट, वन डे He was sleeping under a tree. Suddenly a mouse came there. He started jumping on the lion's body. He woke up. He became very angry. He caught the mouse to kill. The mouse requested the lion not to kill him and promised to help him someday. The lion laughed at him and let him go. After some days, the lion was caught in a hunter's net. He roared again and again for help. The mouse heard the roar and came there. He cut the net and freed the lion. Both the lion and the mouse became very good friends. Moral, do good and have good. Next story hai, union is strength. Once there was a farmer, he had four sons. They always quarreled with each other. The farmer was very sad. He told them many times, but all in vain. One day, he brought a bundle of sticks. He told his sons to break the bundle one by one, but they could not break it. Then he untied the bundle and told them to break the sticks.
They broke the sticks very easily. Then the farmer advised them that nobody can harm you if you are united like the bundle of sticks. The sons learnt a lesson and they lived peacefully and united. Moral: union is strength. Next story, the foolish god. Once there were two silly gods in a village. There was a narrow bridge over a river in the village. One day a god went across the bridge to eat grass. When she was crossing the bridge, she saw the other god on the bridge from other side. Both the gods wanted to go across the bridge, but no one wanted to move back and gave the side to other. So they started fighting on the bridge and fell into the river and both died. Moral: never fight with anyone. Next, paragraph writing for practice. First, my house. My name is Harshit. I read in class 7th A. I live in Balutra city. I have a big house there. It has 10 rooms. All the rooms are big and airy. There is a living room, a dining room, and a 3 bedrooms in my house. There is also a library and a computer games room. There is a very good kitchen where my mother cooks food. There is a very big garden. I play games with my friends there. I like my house very much. Next, a village fair. My name is Mohit Kumar. I read in class 7th A in SVG Model School, Balutra. One day I went to visit a village fair. There were many people. They were wearing colorful dresses. There were many stalls with sweets, toys, clothes, etc. in the fair. A man was selling balloons. Children were enjoying sweets and toys. Some were riding on merry-go-round. There was a temple. Many people went there to worship. I enjoyed the fair very much and came back home in the evening. Next, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a great leader of India. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was born on 2nd October 1869. He was a barrister. He fought for the freedom of India. He started many national movements against the British till India got freedom in 1947. He was very hardworking and gentleman. All the Indians liked him. But he was shot dead on 30 January 1948 by Nathuram Godse. He was also called the father of the nation. Next, say water. Water is a precious gift of nature. It is very important for all living beings. The source of pure water is very limited. So to save water is the most important thing of today in the world. Most of the ocean water is not consumable, so we should save rainwater by rainwater harvesting. We should not waste water. Water is very valuable for us, so we should always increase its proper use. Next, Deepavali. Deepavali is the most important festival of India. It is the festival of light. It is celebrated in the month of Kartik. In the memory of return of Lord Rama to Ayodhya after 14 years, the people clean and whitewash their house. It is the festival of festivals. On this day, the lamps and lighted were lit up. We worship Lord Ganesha and Goddess Lakshmi on this day. People celebrate this festival with sweets and firecrackers. It is the festival of harmony, so I like this festival very much. Next, my best teacher. My name is Vishal Dave. I read in class 7th A in SVGM school Pachpadra. There are many teachers in my school. All teachers are good, but my best teacher is Mr. Rohit Kumar. He is my class teacher. He is very kind and honest. He teaches my class English. He is about 40 years old. He comes to school daily. He works very hard. He always
helps the poor and the needy students. He is very good player of football. I like him very much. Next, my school. I read in class 7th A in SVGMS Pachpadra. It is very big school. It has all the facilities. There are 20 rooms in my school. All the rooms are big and airy. We study there very well. There are many labs in my school, like computer lab, maths lab, chemistry lab, bio lab, and physics lab, etc. There are rooms for music, art, drawing, and crafts classes in my school. There is also a sports room with all the games facilities for the students. The principal and all the teachers are very good. They teach us very well. I like my school very much. Next, most important question answer as for your practice. Question number first. Who was the bearded man? The bearded man was the enemy of the king. Why did the man ask for king's forgiveness? Question number second. Its answer is, the man wanted to kill the king, but the king served the man very well. When he was wounded, this made him feel guilty and asked for his forgiveness. Question number third. Why did the king want to know answers to three questions? Answer is, the king wanted to know the answers to three questions because he thought he would never fail in his duties as a king if he knew these answers. Question number 4. Where did the lady find the beer cup? The lady found the beer cup in the forest, half dead and hungry. Question number 5. When was the bear tied up the chain? The bear was tied up the chain when the lady went to her sister every Sunday. Question number 6. Why was the bear looking sorry for himself in the evening? The bear was looking sorry for himself in the evening because he was tired for the whole day waiting for her mistress. Where was the tiger cub when grandfather found him? Question number 7. The tiger cub was hiding in the roots of banyan tree when grandfather found him. Question number 8. What made grandfather decide to transfer Timothy to the zoo? When Timothy began to stalk Mahmood and became aggressive with everyone, he decided to transfer him to the zoo. Question number 9. Who were the two companions of the Timothy? The two companions of Timothy were Toto the monkey and the mongrel the puppy. Question number 10. Why was everyone in the control room greatly excited? Everyone was excited in the control room because two alien spacecraft were approaching there on the march. Question number 11. What was grandmother's prophecy about tiger? Grandmother's prophecy was that it would one day make a meal of Mahmood. Question number 12. What is strange about Mr. Nath's Sunday? Mr. Nath had no friends, but every Sunday a visitor came to meet him and had lunch with him. Question number 13. What did Nishad give Mr. Nath and why? Nishad gave Mr. Nath a bar of chocolate because he was worried about his weak health. Question number 14. Why did Nishad and Maya get a holiday? Maya and Nishad got a holiday due to heavy rain. Question number 15. What are some common uses of fire? Fire is used as fuel to cook food and for room heating. Question number 16. How is cricket bat different from hockey stick? A cricket bat is flat, but a hockey stick is curved at the bottom. Question number 17. Why were the Parsis first community to take cricket?
The Parsis were the first community to take cricket, first for the closeness and second for the purpose of trade with the British. Question number 18. What jobs are new ants trained for? New ants are trained for the job of soldiers, cleaners, workers, builders, etc. Question number 19. What are the three things that we can learn from the tiny teacher? Hard work, discipline, and loyalty to motherland are the three things that we can learn from the tiny teacher. Question number 20. Why do the worker ants carry the grubs about? The worker ants carry the grubs about for airing, exercise, and sunshine. Question number 21. What are the commands taught to curry, to sit and walk? The commands to sit was to say dhat and pull him by the ear, and the command to walk was to say mali and pull his trunk forward. Question number 22. Why did curry push his friend into the stream? Curry wanted to save the drowning boy, so he pushed his friend into the stream. Question number 23. What is the master call? Why is it important? The master call is a strange hissing, howling sound as if a snake and a tiger were fighting. It is very important for the elephant to save his life and make the way for his master. Question number 24. How can a camel do without water for days together? Answer is, the camel can do without water because it can drink a lot of water at one time and it sweats very less. Question number 25. How do smaller desert animals fulfill their need for water? The smaller desert animals fulfill their need for water from the moisture present in the plants and meat of other animals they eat. Question number 26. What was Soapy's first plan? Soapy's first plan was to get a good dinner at a restaurant and not to pay for this fault. He would be arrested and sent to prison. Question number 27. Who advised Golu to go to the Limpopo River? The Mena advised Golu to go to the Limpopo River. Question number 28. Why did Golu go to Limpopo River? Golu went to the Limpopo River to know about crocodile's dinner. Question number 29. Who helped Golu on the bank of the river? The python helped Golu on the bank of the river. Question number 30. What is Mr. Willy Wonka? Mr. Willy Wonka is an inventor. Question number 31. What does Wonka with make people? Wonka with makes people younger. Question number 32. What does Mr. Wonka want to invent? Mr. Wonka wants to invent a new thing which will make people younger. Question number 33. Why did the author visit the shop so infrequently? The author visited the shop so infrequently because the boots that Mr. Gessler made for him was very long lasting. Question number 34. What was Mr. Gessler's complaint against big firms? Mr. Gessler was quite against of big firms because they sold inferior quality boots by publicity and took away the jobs from the good bootmakers. Question number 35. Who was Mr. Gessler? Mr. Gessler was a very good bootmaker. Question number 36. Why did the king want no more talk about the hill surface? The king was fed up as everyone was talking about hill surface in his kingdom, so he wanted no more talk about it. Question number 37. What three things did Gopal do before he went to buy his hill surface? Gopal had torn clothes, half shaven his face and painted his face with black ash
before he went to buy his fillet of fish. Question number 38. What happens to the volunteer who swallows 4 drops of the new inventions? अब उस बच्चे के साथ या उस volunteer के साथ क्या हुआ जिसने उस विली वंका द्वारा invent की गई जो नई दवाई थी उसको गटका था या उस दवाई को लिया था? The volunteer's skin started wrinkling, his age and teeth fall off, and he looks to be 75 from 20 years. अब उस जो 20 साल का बच्चा था या volunteer था जिसने उस विली वंका की दवाई को लिया था, उस बच्चे की स्किन रिंकलिंग होना शुरू हो गई, झुर्रियां पड़ने शुरू हो गई, उसकी एज बढ़ने लग गई और उसकी जो टीथ थे वो दांत थे वो गिर गए और वो 20 साल से लगभग 75 इयर्स का नज़र आने लगा, यानी वो 20 साल का था और इस दवाई के 4 बूंद लेने के बाद वो लगभग 75 इयर्स का नज़र आने लग गया। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द न्यू इन्वेंशंस ऑफ विली वोंका? द नेम ऑफ द न्यू इन्वेंशन इज द विटा वोंक। क्वेश्चन नंबर 40, स्प्रेइंग वाटर इज नॉट अ गुड वे ऑफ पुटिंग आउट एन ऑयल फायर और एन इलेक्ट्रिक फायर, व्हाई? यानी कि जो भी आग तेल के कारण लग जाती है या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण लग जाती है उस पर पानी फेंक कर बुझाना एक अच्छा वे क्यों नहीं है? In case of an oil fire, spring water is not good as the oil floats on the top of the water and keeps burning. अब oil fire के ऊपर यदि हम लोग पानी की बौछार करेंगे तो आग कंटिन्यू जलती रहेगी क्योंकि पानी हैवी होता है और ऑयल हल्का होता है, तो ऑयल ऊपर तैरता रहेगा और वो आग कंटिन्यू जलती रहेगी। उसी प्रकार से इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फायर, स्प्रिंग वाटर में गिव शिवर इलेक्ट्रिक शॉक्स टू द पीपल कॉजिंग डेथ। और अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और उसे हम पानी से बुझाने के लिए जाएंगे तो उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। इस कारण इन दोनों ही कंडीशन में, चाहे ऑयल फायर हो चाहे इलेक्ट्रिक फायर हो, दोनों ही केस में पानी से आग को नहीं बुझाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाई इज मिस्टर पर्सेल कंपेयर्ड टू एन आउल? लार्ज ग्लासेज ऑन मिस्टर पर्सेल्स आइज गेव हिम द लुक ऑफ अ वाइज एंड जीनियल आउल, सो ही वॉज कंपेयर टू एन आउल। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाई डिड अबू खान बाय अ यंग गॉट? अबू खान बॉट अ यंग गॉट सो दैट इट माइट स्टे विथ हिम मच लॉन्गर। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाई डिड अबू खान्स गॉड्स वॉन्ट टू रन अवे? अबू खान्स गॉड्स लव्ड फ्रीडम ऑफ द हिल्स सो दे वॉन्टेड टू रन अवे। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाई डिड चांदनी हैड द रोप राउंड हर नेक? अब चांदनी नाम की जो वो बकरी थी वो अपने गले के चारों तरफ जो रस्सी पड़ी रहती थी उससे घृणा क्यों करती थी? चांदनी वॉन्टेड टू गो टू द हिल्स एंड ही लाइक्ड फ्रीडम सो ही हैटेड द रोप अराउंड हर नेक। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाई डिड चांदनी फाइट विद द वॉल्प? चांदनी फॉट विद द वॉल्प टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाई वॉज टिमोथी मोस्ट कंफर्टेबल ड्यूरिंग द डे? टिमोथी वॉज मोस्ट कंफर्टेबल ऑन द सोफा ड्यूरिंग द डे। क्वेश्चन नंबर 47, ऑन विच प्लेनेट डू टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव? टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव ऑन द प्लेनेट मार्स। इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको एज ए प्रैक्टिस दिए हैं और कुछ अदर एप्लीकेशन राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और नोटिस राइटिंग भी एज ए प्रैक्टिस में यहाँ पर आपको दे रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं एनुअल एग्ज़ाम के अंदर।